नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चीन का बचकाना आरोप, पंचशील समझौते का उल्लंघन कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यहूदियों के ऐतिहासिक अवशेष उपहार में दिए। लालू यादव बोले, अखिलेश मायावती साथ आ जाए तो 2019 में भाजपा का गेम ओवर कर देंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत, राज्यपाल पद का सम्मान करें। जीएसटी के बाद टाटा मोटर्स ने कारों पर 2.70 लाख रुपए तक घटाए। कुमार विश्वास पर एफआईआर, कपिल शर्मा के शो में अश्लील टिप्पणी करने का आरोप। नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। अरुणाचल में लापता हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की कोई खबर नहीं, तलाश जारी, पायलट और 3 वायुसेना कर्मी सवार थे। तमिलनाडु में विधायकों की कथित खरीद फरोख से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों का अपहरण किया। दार्जिलिंग हिल्स में पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन बंद के 24वें दिन भी स्थिति गंभीर। पाकिस्तान के कंगाल बोर्ड ने बीसीसीआई से मांगा 447 करोड़ रुपए का मुआवजा। पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के जांच दल के समक्ष पेश हुई। चीन में गैस पाइपलाइन में विस्फोट, 5 लोगों की मौत, 89 लोग घायल। ये थी आज की खास खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।